आज का जो हमारा टॉपिक है ये कैपिटल करेंसी के साथ साथ यहां पर हम लोग कॉन्टिनेंट्स की भी बात करने वाले हैं। ध्यान रखिए, ये जो टॉपिक है हमारा कैपिटल करेंसी और कॉन्टिनेंट, इसको हम लोग 3 क्लासेस में कम से कम कवर करने वाले हैं। तो आज की क्लास में कुछ थोड़ा सा टॉपिक कवर करेंगे, फिर 1/3 कल की क्लास में, और उसके बाद 1/3 उसकी अगली क्लास में। शुरू करते हैं विदाउट टाइम डिले। जो भी हमारे साथ नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वो लोग ध्यान रखिए, मेरे 2 चैनल हैं, इन दोनों में से आप दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरा फायदा मिलता रहे। क्योंकि जो सुबह 4 बजे के करंट अफेयर हैं वो वरुण अवस्थी करंट अफेयर चैनल में आते हैं, और ये जो 5 बजे वाली सीरीज है जो कि अभी आप वरुण अवस्थी पर तो देख ही रहे हो, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा करंट अफेयर के लिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर कॉन्टिनेंट्स की बात करें, मतलब महाद्वीप की अगर हम बात करें, तो महाद्वीप हमारे कितने हैं? 7 महाद्वीप बोले जाते हैं। पहला एशिया हो गया, दूसरा अफ्रीका हो गया, तीसरा नॉर्थ अमेरिका, चौथा साउथ अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठवा यूरोप और सातवां ओशिनिया। ओशिनिया में कई सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ओशिनिया क्या है या ऑस्ट्रेलिया क्या है, इसको आप ऑस्ट्रेलिया भी बोल सकते हो। अब देखो, यहां पर अगर हम मैप में देखें तो ये है हो गया आपका एशिया, यहां पर दूसरा हो गया अफ्रीका, तीसरा हो गया यूरोप, चौथा हो गया नॉर्थ अमेरिका, पांचवा हो गया साउथ अमेरिका और छठवां हो गया अंटार्कटिका, और सातवां जो है ओशिनिया जो यहां पर लिखा हुआ है, इसको ऑस्ट्रेलिया के नाम से भी जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया इसी को बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया को ओशिनिया इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये चारों तरफ समुद्र से ढका हुआ है, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ओशिनिया, क्योंकि ओशियन से ढका हुआ है। यहां पर एक चीज और ध्यान रखनी है, ऑस्ट्रेलिया सिर्फ इतना ही नहीं है, या फिर ओशिनिया सिर्फ इतना ही नहीं है। ओशिनिया में आपका ये ऑस्ट्रेलिया तो आता ही आता है, जो कि यहां की मेन लैंड बोली जाती है। इसके अलावा यहां पर ये छोटे छोटे आप पिंक कलर के एरियाज देख रहे हो। अब ये जो छोटे छोटे एरियाज हैं, ये यहां के कई सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, और साथ में इनमें से कुछ एक इंपॉर्टेंट कंट्रीज भी हैं, जैसे कि ये आपका नीचे वाला आ जाता है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड भी आपका हिस्सा किसका है? न्यूजीलैंड भी आपका ओशिनिया का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? ओशिनिया का हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। अब आप लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो चीज आपको ध्यान देनी है वो ओशियंस पर ध्यान देनी है। ये तो बात हो गई हमारे पूरे वर्ल्ड में कि कितने हमारे महाद्वीप है। पूरे वर्ल्ड में हमारे 7 महाद्वीप हो गए, और साथ में अब अगर हम ओशियंस की बात करें तो 5 ओशियंस है, मतलब 5 महासागर हैं। ये महासागर कौन कौन से हैं? पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन जिसको हिंद महासागर बोला जाता है, इसके बाद साउथर्न और आर्कटिक। इसके बारे में भी हम लोग आने वाले टाइम में बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं इनके बारे में भी बात करूंगा, और वो भी आपको स्ट्रक्चर या फिर आप बोल सकते हो मैप के थ्रू। लेकिन इस सीक्वेंस को आपको ध्यान रखना है, पैसिफिक ओशियन यहां पर सबसे बड़ा ओशियन है, नंबर 2 पर अटलांटिक लिखा है, इसका मतलब पैसिफिक के बाद नंबर 2 पर अटलांटिक सबसे बड़ा है, नंबर 3 पर हिंद महासागर है, नंबर 4 पे एरिया वाइज साउथर्न है, और नंबर 5 पे आर्कटिक है। तो ये आपका सीक्वेंस वाइज लिखे हुए हैं। अगर आपसे यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि आपसे पूछता है सबसे छोटा कौन सा है, तो आंसर क्या होगा? सबसे छोटा आपका आर्कटिक है, सबसे बड़ा कौन सा है? पैसिफिक है। या इंडियन ओशियन कौन से नंबर का सबसे बड़ा ओशन है? तो तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। देखो, सबसे पहले हम लोग यहां पर अंटार्कटिका की बात करेंगे। देखिए, पढ़ाई का तरीका ऐसा नहीं होता है कि आपने सीधे सा एक लेंथी टॉपिक उठा लिया। हमें 7 कॉन्टिनेंट्स अपने कवर करने हैं, और उनमें कैपिटल एंड करेंसी कवर करनी है, तो उसका एक तरीका होता है। पहले आप छोटा कॉन्टिनेंट उठाओ जिसमें कि आपको डेटा याद रखने में आसानी हो। इसी तरीके से हम लोग यहां पर सबसे पहले बात करेंगे अंटार्कटिका के बारे में। अंटार्कटिका आपको मैप में कहां पर दिखता है? अभी मैंने आपको दिखाया था मैप में, जब आप सबसे नीचे देखोगे तो ये अंटार्कटिका दिखता है। अंटार्कटिका को ही व्हाइट कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है। इसको श्वेत महाद्वीप क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पूरे साल भर बर्फ से ढका रहता है। इसमें बर्फ के अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर पूरे साल यहां पर बर्फ ढकी हुई है, इसका मतलब क्या है? यहां पर लाइफ भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो अंटार्कटिका से जुड़ा हुआ कुछ डेटा जो कि आपको ध्यान रखना है। आपसे पहली चीज तो ये पूछता है कि क्या ये कौन सा हमारा कॉन्टिनेंट है जिसमें हैबिटेट नहीं है, जिसमें लोग नहीं रह सकते? तो ध्यान रखना, ये अंटार्कटिका है, कोई यहां पर परमानेंट सेटलमेंट नहीं हो सकता। दूसरी चीज, एक क्वेश्चन काफी अच्छा यहां पर बनता है कि अंटार्कटिका में भारत के कितने रिसर्च सेंटर है? तो भारत के टोटल 3 रिसर्च सेंटर है अंटार्कटिका में। एक को बोला जाता है दक्षिण गंगोत्री, दूसरे का नाम है मैत्री, और तीसरे का नाम है भारती। अब इनमें से भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें पहला जो दक्षिण गंगोत्री है, ये कब सेटअप किया गया था? ये सेटअप किया गया था 1984 में, और ये 1984 से कब तक रहा? 1990 तक रहा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि बाद में दक्षिण गंगोत्री जो है, इसको रिसर्च स्टेशन ऐसा बंद कर दिया गया। आज की डेट में डी कमीशन हो चुका है, और इसको एक सिर्फ और सिर्फ
सप्लाई बेस बना दिया गया है भारत सरकार की तरफ से। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो हमारे तीन रिसर्च स्टेशन तो हैं, मैत्री, भारती और दक्षिण गंगोत्री, लेकिन जिनमें से दक्षिण गंगोत्री अब केवल सप्लाई स्टेशन है, अब यहां पर रिसर्च वगैरह नहीं होती है। मैत्री को स्थापित किया गया था 1989 में और भारती को स्थापित किया गया था 2012 में। तो ये टोटल तीन रिसर्च सेंटर है। नेक्स्ट आपको जो चीज ध्यान रखनी है, अगर आपसे पूछता है कि अंटार्कटिका में पूरी दुनिया के कितने रिसर्च स्टेशन है, तो आपका आंसर क्या होगा? 70। 70 परमानेंट रिसर्च स्टेशन है, 29 देशों के ये हैं टोटल। तो टोटल 70 में से तीन किसके हैं? भारत के हैं, हमारे, जो कि आपको यहां से ध्यान रखना है। एक चीज और, अंटार्कटिका की जो सबसे ऊंची चोटी है ये कौन सी है? तो ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं माउंट विंसन। क्या बोलते हैं? माउंट विंसन। काफी बार ये पूछा गया क्वेश्चन है। इसी में एक चीज और ध्यान रखना, आपसे पूछता है अंटार्कटिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है या सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो आपका आंसर होगा नन ऑफ अबव, हमेशा, क्योंकि अंटार्कटिका में कोई नदी नहीं है, वहां पर पूरे साल भर बर्फ जमी रहती है, तो बर्फ होने की वजह से कोई भी नदी वहां पर नहीं प्रभावित होती है। अंटार्कटिका के, अब यहां पर बात बात करते हैं ओशिनिया में। देखिए, कैपिटल और करेंसी में एक हमारा सबसे पहली चीज तो हमारी जो अंटार्कटिका है ये कवर हो गई, क्योंकि हमें वहां पर कुछ याद ही नहीं करना है, कोई कंट्री नहीं है। सेकेंड नंबर पे हम लोग ओशिनिया को ले लेते हैं, मतलब वही ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वाला हिस्सा। अब यहां पर ओशिनिया में एक चीज आपको समझाता हूं मैं, पहले यहां पर देखो इसको, एक सेकेंड के लिए भूल जाओ, यहां पर देखो, जो ये वाली पर्टिकुलर लैंड है जिसको आप ऑस्ट्रेलिया बोलते हो, इसको ओशिनिया की मेन लैंड बोला जाता है, ठीक है। यहां पर आप देख रहे हो कई सारे छोटे 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 कई सारे आइलैंड है, तो ये सारे आइलैंड है जिनको इतना ज्यादा रिकॉग्निशन नहीं है। उसका रीजन पता है क्या है? उसका रीजन ये है कि इनमें से कई सारे हैबिटेड आइलैंड भी है और कई सारे नॉन हैबिटेड है, मतलब कई सारे तो ऐसे आइलैंड भी है जहां पर कोई नहीं रहता है, और कई सारे ऐसे हैं जहां पर कुछ लोग रहते हैं, और उसपे भी कई सारे क्या है, डिस्प्यूटेड है। लेकिन यहां पर दो लैंड आपको ध्यान रखनी है, दो लैंड कौन सी ध्यान रखनी है? एक तो यहां पर आपको ये पापुआ न्यू गिनी कंट्री ध्यान रखना है, जो कि ओशिनिया का ही हिस्सा है, और दूसरा आपको न्यूजीलैंड ध्यान रखना है। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन और पापुआ न्यू गिनी की कैपिटल है पोर्ट मोर्सबे। तो ये दो आपको यहां पर ध्यान रखने हैं, और उसके बाद मेन लैंड ऑस्ट्रेलिया। अब ये जो आपका ओशिनिया है, ओशिनिया के अंदर ये सारे आपके कंट्री है, जिसमें से आपका मेन क्या है? ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि यही मेन लैंड है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा, और यहां पर करेंसी क्या चलती है? डॉलर। अब देखो याद करने का तरीका क्या होता है, क्योंकि आपके सामने ओशिनिया के सारे कंट्री लिखे हैं, अब आप मुझे खुद देखकर बताओ करेंसीज की अगर हम बात करें तो करेंसी में सबसे ज्यादा करेंसी कौन सी है, मतलब सबसे ज्यादा कंट्रीज की करेंसी कौन सी है? जो हमें आम तौर पर दिख रही है वो डॉलर दिख रही है, आप कहीं पर भी देखिए डॉलर दिख रही है। डॉलर के अलावा अगर कोई भी अदर कंट्री की कोई अगर करेंसी है तो उसको यहां पर बोल्ड कर दिया है मैंने, तो ये बोल्ड वाली आपको अलग दिख रही है, अदरवाइज आपको डॉलर ही ध्यान रखना है। एक चीज और ध्यान रखना, इस चीज को देखकर आपको पैनिक नहीं होना है कि डॉलर ऑस्ट्रेलियन लिखा है या डॉलर फिजी लिखा है, डॉलर यूएस लिखा है, इस चीज को देखकर आपको पैनिक नहीं होना। आपको हमेशा जब भी पेपर में क्वेश्चन पूछेगा सिर्फ डॉलर ही पूछेगा। तो यहां पर पहली चीज तो ये क्लियर हो जाती है कि अगर आपसे ओशिनिया के कोई भी कंट्री के बारे में पूछता है 80% चांस होंगे कि भैया करेंसी तो डॉलर ही होनी है, बाकी जो दो चार हैं उनकी आप याद करके रख लीजिए, आपका आराम से काम हो जाएगा। इसके बाद यहां से कुछ इंपॉर्टेंट हैं कंट्रीज, उस पर मैं टिक लगा देता हूं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। फिजी काफी इंपॉर्टेंट है, फिजी की कैपिटल सुवा, किरीबाती इसकी तारवा है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है ये है नौरू। नौरू आपको पता है क्यों इंपॉर्टेंट है? आपसे क्वेश्चन पूछता है ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो वो आंसर होगा नौरू। नौरू सबसे छोटा देश है और इसकी कैपिटल क्या है? यरेन इसकी कैपिटल है, तो इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका न्यूजीलैंड इंपॉर्टेंट है, न्यूज में भी रहता है कई बार। वेलिंगटन इसकी कैपिटल है। पलाऊ इंपॉर्टेंट है, इसकी है गेरुलमठ। इसके बाद पपुआ न्यू गिनी भी न्यूज में रहता है। पोर्ट मोर्सबे इसकी कैपिटल है, जो कि अभी मैंने यहां पर आपको दिखाया, यह है पपुआ न्यू गिनी। इसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट है ये आपका तुवालू इंपॉर्टेंट है, जिसकी है फुनाफुती। तो इतना आपको यहां पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग यहां पर बात करेंगे साउथ अमेरिका की। देखिए अगला जो हम लोगों ने कॉन्टिनेंट उठाया है ये हमारा साउथ अमेरिका। पहले आप साउथ अमेरिका को यहां पर देख लो मेन मैप में। देखो अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से कवर कर लिया है। नंबर वन पे हम लोगों ने अंटार्कटिका कवर कर लिया, ज्यादा यहां पर लोड नहीं है आपके पास। नंबर दो पर ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया हम लोगों ने कवर कर लिया। नंबर तीन पर अब हम लोग पहुंच चुके हैं यहां, मतलब पहले यहां थे, अब यहां से अब यहां हम लोग पहुंच गए हैं साउथ अमेरिका में। चलिए साउथ अमेरिका मतलब दक्षिण अमेरिका की हम लोग बात करते हैं। पहले अगर आप मैप में यहां पर देखो तो समझो एक चीज, दक्षिण अमेरिका में मैंने यहां पर आगे 13+1 क्यों लिखा हुआ है।
थर्टीन प्लस मतलब वन का यहां, थर्टीन प्लस वन का मतलब यह है कि 13 जो यहां पर है ये साउथ अमेरिका की मेन लैंड में है 13 कंट्रीज, और जो एक कंट्री है वो इससे अलग है जो कि आइलैंड है, जिसको यहां पर ये वाला जो है इसको बोला जाता है फॉकलैंड आइलैंड। तो इस वजह से यहां पर 13 प्लस 1 लिखा हुआ है। जो ये 13 देश हैं ये आपको यहां पर मेन लैंड में दिखेंगे और एक जो है ये है फॉकलैंड आइलैंड जो कि आपको अलग दिखेगा। चलिए अब यहां पर बात करते हैं। सबसे पहले तो वही आपका जो आधार होना चाहिए, करेंसी को उठाकर देखिए कि सबसे ज्यादा मेन करेंसी आपको क्या दिख रही है यहां पर। आमतौर पर कोई भी देखकर बता देगा मेन करेंसी सबसे ज्यादा देशों में जो आपको दिख रही है वो पीसो दिख रही है यहां पर। तो जिस तरीके से आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया या ओशनिया में सबसे ज्यादा कंट्रीज की जो करेंसी है वो डॉलर है, उसी तरीके से साउथ अमेरिका में सबसे ज्यादा पीसो चलता है। अफ्रीका जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा वहां पर अफ्रीकन रैंड सबसे ज्यादा चलता है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा पीसो सबसे ज्यादा देशों की, उसके बाद जो कुछ अलग हैं उनको आपने देख लेना है। इसमें से भी इंपॉर्टेंट क्या है, अर्जेंटीना काफी इंपॉर्टेंट है, कैपिटल है ब्रूनो आयर्स। बोलीविया इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोलीविया करंट अफेयर में रहता है, बोलीविया से हम लोग लिथियम को इंपोर्ट करते हैं जिसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट है। बोलीविया की कैपिटल क्या है, सुक्रे। ब्राजीलिया की कैपिटल, ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया आपकी हो गई, ये तो हमेशा ही न्यूज में रहता है। चिली भी इंपॉर्टेंट है, सैंटियागो। इक्वाडोर इंपॉर्टेंट है, क्योटो। वैसे मैं आपको बताऊं साउथ अमेरिका के सारे कंट्रीज इंपॉर्टेंट है, तो इनकी कैपिटल्स आपको देखनी है। इसमें शॉर्ट ट्रिक आपको नहीं मिल पाएगी, कैपिटल की शॉर्ट ट्रिक लेने जाओगे तो फिर ये डेटा वगैरह सब भूल जाओगे, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में यहां पर मत पड़ो, यहां पर कॉन्टिनेंट वाइज अगर आप डेटा देखोगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। एक चीज और, अगर आपसे पूछता है साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आंसर क्या होगा, इसका सबसे बड़ा देश है ब्राजील। जैसे कि अगर आपसे पूछता है ओशिनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, जो अभी पिछले स्लाइड में हम लोगों ने पढ़ा, ओशिनिया का सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया और सबसे छोटा देश है नौरू, उसी तरीके से साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राजील। ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है। पहला हम लोग नॉर्थ अमेरिका पर फोकस करेंगे और नॉर्थ अमेरिका के बाद अफ्रीका जो कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से मेरे साथ बने रहिएगा। देखिए अगर बात करें यहां पर नॉर्थ अमेरिका को, अगर आप मैप में यहां पर देखो तो ये है हमारे सामने मैप, और यहां पर ये जो ऊपर वाला जो आपको पूरा हिस्सा दिख रहा है ये पूरा है नॉर्थ अमेरिका, क्योंकि ऊपर की तरफ है, जाहिर सी बात है नॉर्थ की तरफ है, और ये जो नीचे वाला है ये है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि इसके बारे में कल हम लोग कर चुके थे बात। बात करेंगे हम लोग यहां पर नॉर्थ अमेरिका के बारे में। अब समझो नॉर्थ अमेरिका पे सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, नॉर्थ अमेरिका की अगर हम बात करें तो नॉर्थ अमेरिका पूरे वर्ल्ड का कितने परसेंट एरिया कवर करता है। जैसे कि कल मैंने साउथ अमेरिका के बारे में बात करी थी, तो साउथ अमेरिका पूरे वर्ल्ड का 12% एरिया कवर करता है, कितना, 12% एरिया कवर करता है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछे नॉर्थ अमेरिका पूरे वर्ल्ड का कितने परसेंट एरिया कवर करता है, तो ये करीब करीब 16.2% एरिया कवर करता है, कितना, 16.2%। ऑन एन एवरेज आप 16% बोल सकते हो। अब देखिए नॉर्थ अमेरिका को पढ़ने के लिए आप इसको तीन पार्ट्स में क्लासिफाई कर लो। पहला हिस्सा इसका मेनलैंड कहलाता है, दूसरा हिस्सा सेंट्रल अमेरिका कहलाता है, और तीसरा हिस्सा इसका कैरेबियन कंट्री कहलाता है। मतलब अगर हम इन तीनों एरियाज को जोड़ दें तब जाकर पूरा नॉर्थ अमेरिका बनता है। तो अब यहां पर समझो मेनलैंड में तीन देश कौन से हैं। देखो ये जो आपको ऊपर दिख रहा है दिस इज मेनलैंड, तो इसमें जो पहला देश है वो है कनाडा, दूसरा देश है यूएस, और तीसरा देश है यहां पर मैक्सिको। बात आई समझ, क्या कहने का मतलब है, और यूएस यहां पर भी है और यूएस यहां पर भी है ऊपर भी। तो अगर मैं इसको इस तरीके से आउटलाइन कर दूं ये वाला हिस्सा, तो ये आपका पूरा क्या हो गया, ये हो गया नॉर्थ अमेरिका का मेन लैंड वाला हिस्सा जिसमें ये तीन देश है आपके सामने। अब ये आप कभी नहीं भूलने वाले हो, कैनेडा हो गया, यूएस हो गया और मैक्सिको हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं सेंट्रल अमेरिका की। देखो यहां पर सेंट्रल अमेरिका में 7 देश है इसी तरीके से, और ये वाला जो आपका ये जो बीच वाला हिस्सा है ये आपका सेंट्रल अमेरिका कहलाता है। क्या कहलाता है, सेंट्रल अमेरिका कहलाता है। सेंट्रल अमेरिका में आपका कोस्टा रिका आ जाता है और गौतेमाला आ जाता है, बेलिजी आ जाता है, एल साल्वाडोर आ जाता है, निकारागुआ आ जाता है। ये सब मिला के टोटल 7 देश है जो कि आपका सेंट्रल अमेरिका कहलाते हैं। अब भैया सेंट्रल अमेरिका पता है इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि नीचे दक्षिण अमेरिका ऊपर उत्तरी अमेरिका, तो इनके बीच में जो होगा वो क्या होगा, मध्य अमेरिका होगा, इसी वजह से इसको सेंट्रल अमेरिका बोला जाता है। और सेंट्रल अमेरिका में आपके कितने देश हैं, 7 देश हैं। अब ये भी आप नहीं भूलोगे कभी।
तीसरा जो यहां पर हिस्सा है इसको बोलते हैं कैरेबियन कंट्री। क्या बोलते हैं? कैरेबियन कंट्री। कैरेबियन कंट्री इनको बोलते क्यों है समझो, ये जो आपका मध्य अमेरिका हो गया, सेंट्रल अमेरिका, इसके दाई तरफ आप आ जाओ तो आप देखोगे ये है आपका कैरेबियन सी, कैरेबियन सागर है। और कैरेबियन सागर में बीच में जो छोटे छोटे देश हैं आपको आइलैंड की फॉर्म में दिख रहे हैं, यही आपके क्या कहलाते हैं? कैरेबियन कंट्रीज कहलाते हैं, जो कि टोटल यहां पर पूरे 14 हैं। कितने हैं? 14 हैं। अब अगर कैरेबियन कंट्रीज को मैं आपको जूम करके यहां पर दिखाऊं तो आप इस तरीके से देख सकते हो, यहां पर आपको थोड़ा और बड़ा दिख रहा होगा, ये आपके कैरेबियन कंट्रीज है। जैसे कि अभी मैंने यहां पर बात करी मध्य अमेरिका की, तो मध्य अमेरिका में जो आपके मेन देश हैं, मेन जो आपके 7 देश हैं, वो आपके ये हैं। जैसे कि पहला गौतेमाला हो गया, दूसरा एल सल्वाडोर, तीसरा होंडुरस हो गया, चौथा निकारागुआ हो गया। ये सब इतने में ही है, ये सब यहीं पर है, बिल्कुल बीचों बीच मध्य अमेरिका ही है। कोस्टा रिका हो गया, पनामा हो गया और बेलिजी हो गया। अब इसी तरीके से अगर यहां पर कैरेबियन कंट्रीज में बात करें तो कैरेबियन जो आपके टोटल ये 14 कंट्रीज हैं वो आप यहां पर देख सकते हो, ये सारे आपके कैरेबियन कंट्री हैं। और कैरेबियन कंट्री इस तरीके से बड़ा ही यहां पर भूचाल मचा हुआ है भैया, बिल्कुल थोड़े 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 नन्हे मुन्ने बिल्कुल छोटे छोटे कंट्रीज हैं यहां पर, ठीक है। जिसमें से भी जो आपके 3 इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 इंपॉर्टेंट है, उसमें से पहला जो, कहने का मतलब कैरेबियन कंट्री में 4 जो सबसे बड़े देश हैं उनमें से जो सबसे बड़ा है वो है क्यूबा। तो क्यूबा को यहां पर समझो, जो आपको बिल्कुल अलग ही दिख रहा है, ये है क्यूबा आपका हो गया। दूसरे नंबर पे इसको बोलते हैं हिस्पानियोला। क्या बोलते हैं? हिस्पानियोला। आप में से, कहने का मतलब ये है कि 10 में से अगर ये क्वेश्चन पूछो ना तो 9 लोगों को एक क्वेश्चन नहीं पता होता है कि हिस्पानियोला क्या है। एक्चुअली हिस्पानियोला 2 देशों का समूह है, और ये 2 देश कौन कौन से हैं? एक तो हैती और दूसरा डोमिनिकन रिपब्लिक। अब हैती ये वाला हिस्सा कहलाता है, हैती आपका वेस्ट वाला हिस्सा इसका कहलाता है, और ये राइट वाला हिस्सा इसका डोमिनिकन रिपब्लिक कहलाता है। और इन दोनों का जब आप मिला दो तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हिस्पानियोला। बात आई समझ? ये दूसरा सबसे बड़ा कैरिबियाई कंट्री है। तीसरा जो सबसे बड़ा कैरिबियाई कंट्री है ये है जमैका। जमैका कहां पड़ता है? ये देखो, ये है आपका जमैका, ठीक है। और चौथा आपका कौन सा है? इसको बोलते हैं प्योर्टो रिको। प्योर्टो रिको आपका ये वाला पड़ रहा है, ये है प्योर्टो रिको। बात आई समझ? लेकिन अगर टोटल यहां पर बात करें जाए तो टोटल कितने कंट्रीज हैं? 14 कंट्रीज हैं। इन सभी की कैपिटल और करेंसी आपके सामने यहां पर लिखी हुई है। वापस चलते हैं उधर जहां पर हम लोग बात करने वाले थे, नॉर्थ अमेरिका की। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पहली चीज जो मैंने यहां पर समझाई है समझ आ गई होगी कि नॉर्थ अमेरिका को 3 हिस्सों में हम लोगों ने क्लासिफाई कर दिया है, मेनलैंड, सेंट्रल अमेरिका और कैरेबियाई कंट्री। मैप में भी आपको बता दिया है कहां कहां पर क्या क्या पड़ेगा। अब एक चीज और समझिए, इसको बोलते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। इस्थमस ऑफ पनामा का यहां पर क्या रोल है? ये क्या करता है? आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करने का काम करता है। देखो, स्ट्रेट और इस्थमस के बीच का अंतर सबसे पहले समझो। स्ट्रेट जिसको हिंदी में बोलते हैं जल डमरू, जल डमरू का मतलब यह होता है, या स्ट्रेट का मतलब यह होता है, एक ऐसी वॉटर बॉडी जो कि 2 बड़े महासागरों को कनेक्ट करती है। अगर वॉटर बॉडी है, अगर मुझे खुद बताओ, एक पतली सकरी रेखा है पानी की, तो 2 बड़ी वॉटर बॉडीज को कनेक्ट करेगी ना वो बीच की रेखा। इसी तरीके से एक वो सकरी लैंड, वो जमीन, वो भूमि जो कि 2 बड़ी लैंड को कनेक्ट करती है, उसको बोलते हैं इस्थमस। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे इस्थमस और वॉटर बॉडी, मतलब कहने का स्टेट में क्या डिफरेंस है। तो यहां पर इस्थमस ऑफ पनामा की अगर बात करें तो ये क्या करता है? ये साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को कनेक्ट करता है। अब देखो भैया, ये है आपका पूरा दक्षिण अमेरिका, और ये ऊपर वाला है नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। तो इन दोनों को कनेक्ट क्या कर रहा है? इन दोनों को कनेक्ट ये कर रहा है, ये वाला हिस्सा कनेक्ट कर रहा है, और यही आप देख सकते हो पनामा है। आगे वाले मैप पे आप देख लो, क्लियरली आपको दिख जाएगा। ये देखिए, ये है पनामा। तो हमेशा ध्यान रखना कि इस्थमस ऑफ पनामा किसको कनेक्ट करता है? साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को। ये आपका कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। अब और आगे बढ़ते हैं यहां पर। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, यहीं पर आपसे एक और क्वेश्चन पूछता है कि नॉर्थ अमेरिका और एशिया को कनेक्ट करने वाला स्ट्रेट कौन सा है? इसको बोला जाता है बेरिंग स्ट्रेट। अब यह बेरिंग स्ट्रेट पड़ता कहां है समझिए, अगर आप मैप में देखोगे तो बेरिंग सी पहले आप ढूंढ के दिखाओ। बेरिंग सी आपका ये पड़ रहा है, ये देखिए सबसे ऊपर, नॉर्थ अमेरिका के भी ऊपर बेरिंग सी। अब आप समझो, पृथ्वी हमारी गोल है, ठीक है, और ये आपका नीचे साउथ अमेरिका, ये आपका नॉर्थ अमेरिका, और ये ऊपर आपका बेरिंग सी। बेरिंग सी ऐसे ही ना ऊपर, मतलब कहने का
एशिया आप जब ग्लोब में देखते हो तो एशिया आपको इधर कहीं दिखाई देता है, तो इसका मतलब यहां से यहां तो कनेक्टिविटी होगी नहीं। पृथ्वी गोल है तो ऊपर वाले हिस्से से ये कनेक्ट कर रहा है, मतलब एशिया ये आपका पीछे से पूरा घूम के ये एशिया है। कहने का मतलब यहां पर कहीं ना कहीं बैरिंग सी में बैरिंग स्टेट होगा, जो कि नॉर्थ अमेरिका ये वाला हिस्सा और पीछे से जो एशिया वाला हिस्सा है इसको सेपरेट करने का काम करता है। अब अगर आप इसको मैप में देखोगे तो ऐसे देखो, ये आपका यूएस वाला हिस्सा है, बात आई समझ, ये यूएस वाला हिस्सा है और इसके नीचे कनाडा आप देख सकते हो। आप यहां पर कनेक्ट करने की कोशिश करना, दिमाग में बिठाने की कोशिश करना मैं आपको क्या बोल रहा हूं। ये यूएस हो गया, ये इसके नीचे कनाडा हो गया, मैं ऐसे बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहीं पर ये आपका यूएस हो गया, ये कनाडा हो गया। अब इसके ऊपर वाला जो हिस्सा होगा ये आपका रशिया लगता है, क्या लगता है, रशिया लगता है। तो रशिया और ये जो आपका यूएस का अलास्का वाला रीजन है, इसके बीच वाला ये जो हिस्सा है दैट इज कॉल्ड बेरिंग स्ट्रेट। क्या कहते हैं इसको, बेरिंग स्ट्रेट। तो एक ये सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है कि नॉर्थ अमेरिका और एशिया दोनों को विभाजित करने का काम कौन सा जलडमरू करता है, आपका आंसर क्या होगा, बेरिंग सी। यहां पर आप देख लो, आप फर्ज करो कि आपने ग्लोब को ऊपर से देखा है, आप पृथ्वी का ऊपर से सीन देख रहे हो, तो आप यहां पर समझो ना, ये देखो ये आपका नॉर्थ अमेरिका यहां से खत्म हो रहा है और ऊपर मतलब ये देख रहे हो ना, ये एशिया पूरा घूम के आ रहा है पीछे से, तो ऊपर का ये वाला हिस्सा आपका रशिया वाला हिस्सा है और ये जो बीच वाला हिस्सा है दैट इज कॉल्ड बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जलडमरू। बात आ रही है समझ, जिसकी अभी हम लोग यहां पर बात कर रहे थे। एक चीज और, नॉर्थ अमेरिका में एक फेमस लेक है जिसको सुपीरियर लेक के नाम से जाना जाता है, पूरे वर्ल्ड में फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी लेक यही मानी जाती है। ये आपकी कहां पड़ती है, ये यूएस वाले हिस्से में पड़ती है। इसके बाद अगर लार्जेस्ट कंट्री की बात करें कि सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आंसर आपका होगा कनाडा। कनाडा नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है और सबसे छोटा देश कौन सा है, यह है सेंट किट्स एंड नेवीज, इसको सबसे छोटा देश बोला जाता है। अब एक सबसे बड़ा और इंटरेस्टिंग सवाल, लैटिन अमेरिका किसको बोलते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों की बात कर चुके हैं, तो लैटिन अमेरिका किसको बोला जाता है, यह कम ही लोगों को पता होता है। देखिए लैटिन अमेरिका पता है किसको बोलते हैं, अमेरिकन रीजन के ऐसे देश जहां पर स्पेनिश या फिर पुर्तगाली बोली जाती है उनको लैटिन अमेरिका बोलते हैं। क्या बोला मैंने, मैंने कहा पूरे अमेरिका रीजन के, चाहे नॉर्थ अमेरिका हो चाहे साउथ अमेरिका हो, दोनों अमेरिकन रीजन में ऐसे देश जहां पर स्पेनिश या फिर पुर्तगाली बोली जाती है उनको लैटिन अमेरिका बोलते हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसी लैंग्वेज है जो कि लैटिन से निकल कर आई हुई है, इस वजह से इनको लैटिन अमेरिका बोला जाता है। अब लैटिन अमेरिका पड़ता कहां है समझिए, ये वाला जितना भी हिस्सा आपको दिख रहा है ये पूरा आपका लैटिन अमेरिका है, मतलब कहने का ये तो तय है कि ये नीचे वाला जितना हरा वाला हिस्सा आपको दिख रहा है ये पूरा साउथ अमेरिका है। यहां पर ये देख लीजिए, ये पूरा जितना भी वो हरा वाला हिस्सा है ये पूरा साउथ अमेरिका है, दैट मींस कि साउथ अमेरिका आपका पूरा लैटिन अमेरिका है। इसके बाद ये आपका पनामा वाला हिस्सा, यहां पर आप देखिए यहां से लेकर ऊपर तक, और ऊपर तक कहां तक, मैप के हिसाब से आप देखो मैक्सिको तक, ये मैक्सिको से लेकर नीचे तक का जितना भी हिस्सा है ये पूरा आपका लैटिन अमेरिका कहलाता है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, अभी कोई भी कंफ्यूजन आपको नॉर्थ अमेरिका में नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर थोड़ा सा यहां पर एक और ध्यान देना है आपको। देखिए यहां पर देख, जब आप देखोगे कंट्रीज कैपिटल एंड करेंसी की लिस्ट, तो यहां पर आपको सबसे ज्यादा देशों में डॉलर ही मिलने वाला है, तो यहां की जो मोस्ट कॉमन करेंसी है पूरे नॉर्थ अमेरिका में वो डॉलर ही सबसे ज्यादा चलता है। कुछ इक्का दुक्का जो कंट्रीज हैं जिनकी अलग करेंसी है उसको यहां पर मैंने बोल्ड कर लिया है, वो आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर बात करते हैं अफ्रीका की, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज की क्लास थोड़ी सी 5 मिनट ऊपर जा सकती है लेकिन इसको कवर करते हैं। देखिए अगर अफ्रीका की बात करें तो सबसे पहला ही सवाल उठता है कि पूरे वर्ल्ड में अफ्रीका कितना प्रतिशत एरिया कवर करता है, तो आपका आंसर होगा 20.2% एरिया कवर करता है, मतलब पूरे वर्ल्ड में जितनी भी जमीन है उस जमीन में 100% जमीन में से 20% में अफ्रीका आपका छाया हुआ है। अब अफ्रीका आप ये मैप देख लीजिए अफ्रीका का यहां पर। अब अगर अफ्रीका की बात करें यहां से जुड़े हुए फैक्ट्स की, तो एक सबसे बड़ा और पहला फैक्ट है कि ये जो तीनों लाइन है, इक्वेटर हो गई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गई और तीसरी हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये तीनों लाइन कौन से महाद्वीप से ऊपर होकर गुजरती है, तो आपका आंसर क्या होगा, अफ्रीका से होकर गुजरती है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है जिसको सहारा डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको अफ्रीका में ही मिलेगा। वैसे अगर दुनिया में सबसे बड़े डेजर्ट्स की हम बात करें तो सबसे बड़ा मरुस्थल आपका अंटार्कटिक मरुस्थल है, दूसरे नंबर पे आर्कटिक डेजर्ट है, ये भी कूल है,
और तीसरे नंबर पे सहारा आता है। लेकिन अगर गर्म मरुस्थल की बात करें तो सबसे नंबर वन पे सहारा मरुस्थल रहेगा, जो कि आपका अफ्रीकन रीजन में पड़ता है। इसके बाद सबसे लंबी नदी जो पूरी दुनिया की है, जिसको आप नील नदी के नाम से जानते हो या इंग्लिश में नाइल रिवर इसको बोला जाता है, ये भी आपकी अफ्रीका में ही बहती है। सबसे बड़ा देश इस कॉन्टिनेंट का अल्जीरिया है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे छोटा देश इसका कौन सा है, ये सेशल्स कहलाता है। देखिए यहां पर कई सारे कंट्रीज में कंट्रीज बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, मतलब कहने का कई सारे ऐसे देश हैं जिनको कंट्रीज का दर्जा मिलता रहता है और नहीं भी मिलता रहता है। कई सारे वो एक्चुअली आइलैंड कंट्रीज हो जाते हैं, ठीक है, जिन पर डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं, तो ये कई बार बदलता रहता है सिस्टम। बट फिलहाल के लिए आप ध्यान रखिएगा, फिलहाल स्मॉलेस्ट कंट्री अफ्रीका का सेशल्स को ही कंसीडर करते हैं। यहां पर अगर अल्जीरिया की बात करें तो ये देखिए पूरे रीजन में आप देखोगे सबसे बड़ा हिस्सा आपको ये वाला दिख रहा है, तो यही आपका अल्जीरिया है। और सबसे छोटा हिस्सा जो कि सबसे छोटा देश है सेशल्स, तो सेशल्स आपको यहां पर मिलेगा, ये आपका सेशल्स है बिल्कुल किनारे पर, और सेशल्स उधर उधर आप इसके चलते चले जाओगे ईस्ट की तरफ तो आपको भारत मिल जाएगा। सेशल्स ये आपका इंडियन ओशन की ही तरफ है, ये पूरा आपका हिंद महासागर यहां से स्टार्ट हो जाता है इसके राइट साइड में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहां की जो सबसे फेमस लेक है, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछता है, तो ये है विक्टोरिया लेक। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है कौन से महाद्वीप में पड़ती है विक्टोरिया लेक, तो आपका आंसर होगा अफ्रीका में ही पड़ती है। इसके बाद यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि अभी मैंने आपसे बात करी थी इस्थमस की बात मैंने आपसे करी थी ना, तो वैसे ही इस्थमस ऑफ स्वेज जो है ये क्या करता है, ये अफ्रीका और एशिया को कनेक्ट करने का काम करता है। और इस्थमस ऑफ स्वेज कहां पड़ती है, ये इजिप्ट में पड़ती है। मैंने अभी आपको बताया था इस्थमस क्या होता है, इस्थमस जमीनी बॉडी, एक ऐसी जमीनी बॉडी सक्री बॉडी होती है जो कि दो बड़ी लैंड बॉडीज को कनेक्ट करने का काम करती है। तो एक बड़ी लैंड बॉडी हो गई आपकी अफ्रीका और दूसरी हो गई क्या एशिया, इधर वाली। तो अफ्रीका और एशिया इन दोनों बड़ी बॉडीज को कनेक्ट करने का काम कौन सी इस्थमस कर रही है, इसको बोलते हैं इस्थमस ऑफ स्वेज। क्या बोलते हैं, इस्थमस ऑफ स्वेज। और स्वेज कहां पड़ रही है, ये इजिप्ट में पड़ रही है। तो यहां पर देखो इजिप्ट कहां है, ये आपका इजिप्ट है। तो कहने का मतलब ये आपका हो गया एशिया और ये तो आपका पूरा अफ्रीका ही है, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम ये वाला पॉइंट कर रहा है जो कि इजिप्ट में है, इसी को इस्थमस ऑफ स्वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस्थमस ऑफ स्वेज, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज और, इस्थमस ऑफ स्वेज जो है ये कौन से दो सागरों को डिवाइड कर रहा है, जाहिर सी बात है ये जमीनी बॉडी है ना, तो जमीनी बॉडी है तो ऊपर और नीचे आप देख रहे हो वाटर बॉडी है, पानी वाली बॉडी है, तो इनमें से किसको कनेक्ट कर रहा है। तो ये जो नीचे वाली बॉडी आपको दिख रही है ये आपकी लाल सागर है, क्या कहलाती है, रेड सी कहलाती है। और ऊपर वाली जो है तो इसको बोलते हैं क्या, मेडिटेरेनियन सी, हिंदी में इसी को भूमध्य सागर बोलते हैं। और पता है भूमध्य सागर क्यों बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये जमीन के बीचों बीच बसा हुआ है, इसके चारों ओर लगभग लगभग जमीन है, इसी वजह से भूमध्य सागर इसको बोला जाता है, कि भू मतलब जमीन, जमीन के बीच में मतलब मध्य में है, दैट इज व्हाई भूमध्य सागर। तो यहां से दो क्वेश्चन आपके निकले कि आपसे पूछेगा इस्थमस ऑफ स्वेज किनको कनेक्ट करती है, ये एशिया और अफ्रीका को कनेक्ट करती है, किसको अलग करती है, ये अलग करती है भूमध्य सागर और लाल सागर, इन दोनों को अलग अलग करती है। कोई दिक्कत तो नहीं, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे यहां पर। अब देखिए स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर क्या है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर एक ऐसा पॉइंट है जो कि अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करता है। अब यहां पर समझो जिब्राल्टर है कहां पर, ये वाला आपका हो गया मेडिटेरेनियन मतलब भूमध्य सागर, और ये वाला जो आपका हिस्सा हो गया, ये जो जितना आपको नीला हिस्सा दिख रहा है, ये आपका अटलांटिक है, क्या है, अटलांटिक सी है। अब इन दोनों को कनेक्ट कौन सा हिस्सा कर रहा है, इन दोनों को कनेक्ट करने वाला हिस्सा आपका ये है, ये वाला हिस्सा। और इस हिस्से में जो बिल्कुल सक्रिय सी वाटर बॉडी है, मतलब पानी इधर से जाकर इधर मिल रहा है, मेडिटेरेनियन सी का मतलब भूमध्य सागर का पानी जाकर मिल रहा है किससे, अटलांटिक सी से मिल रहा है। तो इसी पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो ध्यान रखना आपसे पूछता है जिब्राल्टर का स्ट्रेट या जिब्राल्टर जल डमरू किसको कनेक्ट करता है, ये भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को कनेक्ट करने का काम करता है। उम्मीद करता हूं यहां से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सब आपको क्लियर हो गए होंगे एक एक मैप के थ्रू। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी नदी है जो कि इक्वेटर को दो बार क्रॉस करती है, तो आपका आंसर होता है कांगो नदी। कांगो नदी समझो है कहां पर, ये अफ्रीका वाला रीजन है और अफ्रीका वाले रीजन में ये है आपकी कांगो नदी, ये देखिए ये है कांगो नदी ऐसे जा रही है। अब समझिएगा यहां पर अगर बात करी जाए कि आपका
इक्वेटर को दो बार काटती है, तो इक्वेटर आपका कैसे जा रहा है, इक्वेटर आपका ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो इक्वेटर ऐसे जा रहा है, तो आप देख रहे हो ये नदी दो बार काट रही है, क्योंकि ये नदी ऐसे ऊपर जाके फिर नीचे आ रही है, तो दो बार इसने इक्वेटर को पास कर दिया। दूसरा एक क्वेश्चन आपका पूछता है, ये कौन सी नदी है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को दो बार काटती है, तो इसका आंसर होगा आपका लिम्पोपो रिवर, ये है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी भी आपकी देखिए इस तरीके से जा रही है, ऐसे ऐसे करके नीचे की तरफ आ रही है, तो आपका ये जो कैप्रिकॉर्न है ये ऐसे निकल जाता है बीच से, तो देखिए एक तो इस पॉइंट पे काट दिया इसने, एक तो इस पॉइंट पे काट दिया, ठीक है। और अगर अफ्रीका रीजन में देखें कि लिम्पोपो नदी कहां पर काटती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को, तो ये वाले रीजन में, इधर साउथ अफ्रीका वाले रीजन में यहां पर पड़ती है आपकी लिम्पोपो नदी। इसी तरीके से तीसरा एक और क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सी नदी है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को काटती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को जो आपकी है ये आपकी है माही नदी। आंसर क्या है, माही नदी। अब देखिए माही नदी कहां पड़ती है, भारत में पड़ती है, और माही नदी की लोकेशन देखिए, ये वाली लोकेशन है माही नदी की, मैं इसको रेड कर देता हूं, ये आपकी माही नदी है, ये आप देख रहे हो ऊपर गई और नीचे आ गई इसके बाद। तो अब आपकी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये ऐसे ही यहां से निकलती है, इसको मैं दूसरे कलर से करता हूं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो आपकी ऐसे निकलती है, और ऐसे निकली तो यहां पर आपने देखा एक तो पॉइंट आपको ये मिल गया और एक पॉइंट ये मिल गया, तो दो बार माही नदी ने एक किसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को काटा। तो आपके ये तीन आंसर हो गए, तीन क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है जो कि लगातार पूछे जाते हैं, ध्यान रखना भूलना मत। अब थोड़ा सा अगर कैपिटल और करेंसी आप देखोगे तो इसको थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करना, देखिए इसके लिए कोई बहुत बड़ा समीकरण या फिर इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, कैपिटल और करेंसी इसके लिए ट्रिक नहीं हो सकती, सिर्फ एक ही उसकी सबसे बड़ी ट्रिक है जो कि उसे बार बार रिवीजन आप करते रहो। हाँ थोड़ा सा आइडेंटिफाई ऐसा आप कर सकते हो कि भाई आप देख रहे हो कॉमनली यहां पर फ्रैंक आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, या तो फ्रैंक या फिर रैंड देखने को मिलेगा, तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, लेकिन जो समझाने वाली चीजें हैं वो मैं आपको समझा देता हूं। यहां पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, साउथ अफ्रीका की आपसे कैपिटल कई बार पूछता है, क्योंकि तीन कैपिटल है और इसमें आपसे कई बार पूछा जाता है कि आपको तीन में से कोई एक ऑप्शन में दे देगा, लेकिन जो अंदर की बात है वो कई लोगों को नहीं पता है कि ये जो प्रिटोरिया है ये आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कहलाती है, कैपटाउन जो है ये आपकी लेजिस्लेटिव कैपिटल कहलाती है, और तीसरी जो ब्लूम फाउंटेन है ये आपकी जुडिशरी कैपिटल कहलाती है। जैसे कि हमारे आंध्र प्रदेश के अंदर भी तीन कैपिटल बनाई गई है ना, ऐसे ही वैसे ही साउथ अफ्रीका में भी तीन कैपिटल है, और ये कौन कौन सी है इसको जरूर ध्यान रखना आपसे। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहां पर समझिएगा, अफ्रीका में आपको ज्यादातर जो करेंसीज देखने को मिलेंगी वो तीन करेंसी देखने को मिलेंगी, एक तो आपको रैंड देखने को मिलेगी, दूसरा आपको फ्रैंक देखने को मिलेंगी, और तीसरा आपको दिनार देखने को मिलेगी। आपको पता है इसका भी एक सीक्वेंस है, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि ये कौन कौन से कंट्रीज हैं जिनकी करेंसी रैंड है, फ्रैंक है या फिर दिनार है? जब आप दिनार वाले कंट्रीज देखोगे तो आप देखोगे ये इधर सेंट्रल एशिया से लगते हुए कंट्रीज हैं, जैसे कि आपका अल्जीरिया, लीबिया, बहरैन हो गया, ये आपकी पूरी ये वाली बेल्ट है जो कि इधर से लग रही है, लगभग लगभग इधर के जितने भी देश हैं जो एशिया की तरफ हैं, इन कंट्रीज की जो कैपिटल है ये आपको दिनार देखने को मिलेगी। बात आई समझ? फ्रैंक आपको कहां देखने को मिलेगा? फ्रैंक आपको देखने को मिलेगा मध्य वाला ये जितना भी हिस्सा है अफ्रीका का, बीच वाला जितना भी हिस्सा है, इनकी करेंसी आपको फ्रैंक देखने को मिलेगी ज्यादातर। और जितना भी आपका साउथ वाला अफ्रीका हिस्सा है, साउथ अफ्रीका है, यहां पर आपको रैंड देखने को मिलेगी। बात आई समझ क्या कहने का मतलब है? तो ये एक ट्रिक हो सकती है, ये एक सीक्वेंस हो सकता है जिससे कि आप करेंसी यहां की पता लगा सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको बेहतर समझ आया होगा यहां पर। अब आज के लिए आपका जो होमवर्क है वो होमवर्क यही है कि आप इससे प्रैक्टिस करोगे, आपको ये देखना है कि कौन से कंट्री अफ्रीकन कंट्री है तो उसकी रैंड कैपिटल होगी, कौन से फ्रैंक, कौन से ऐसे कंट्री है जिनकी फ्रैंक होगी, और कौन से ऐसे हैं जिनकी दिनार होगी। एक बार क्रॉस चेक करिएगा और क्रॉस चेक करके टिक लगा के मैप में देखने की कोशिश करिएगा कि क्या सर ने जो सही बताया है वो वाकई में सही है या नहीं है, या फिर कुछ ऐसे कंट्रीज इधर के भी हैं जिनमें दिनार है। तो एक बार चेक करना, और विश्वास मानिए जैसे ही आप चेक करोगे, दो बार आप चेक करोगे, 15 से 20 मिनट दोगे, आप देखोगे सारी कैपिटल आपके दिमाग में सेट होने लगेंगी और करेंसी भी सेट होने लगेंगी। एक और बात यहां पर आपको बताना चाहूंगा, इस टाइम पर अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन के लिए आप ये ऑफर्स अवेल कर सकते हो, डिस्काउंट कोड इसके लिए है Varun777, अगर आप इसको लगाते हैं तो ये तो आपको ऑफर मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आप ले सकते हो।
एक और बड़ा ऑफर इस टाइम पे चल रहा है, एसएससी बैंक, आरबीआई, रेलवे, इन सब का सब्सक्रिप्शन सिर्फ आप एक ही पैकेज में ले सकते हो। तो ये आपको इस डिस्काउंट कोड की मदद से मिल जाएगा और साथ में इसके ऊपर भी 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए हमारे दो कॉन्टिनेंट बचे हुए हैं, एक एशिया बचा हुआ है और दूसरा यूरोप बचा हुआ है। एशिया और यूरोप को कवर करने से पहले यहां पर बात करेंगे यूरेशिया की। यूरेशिया पता है किसको बोलते हैं? कुछ ऐसे देश हैं जो कि एशिया में भी पड़ते हैं और यूरोप में भी पड़ते हैं, तो उन देशों को या फिर उस पर्टिकुलर एरिया को क्या बोला जाता है? यूरेशिया बोला जाता है। अब यूरेशिया को समझने से पहले यहां पर समझिए, ये है हमारी ग्लोब, अर्थ है हमारी, ठीक है। अर्थ के जब ये बीचों बीच से जो लाइन जाती है, ये लाइन क्या कहलाती है? ये लाइन कहलाती है प्राइम मेडिटेरेनियन। क्या कहलाती है? प्राइम मेडिटेरेनियन। बिल्कुल मध्य से लाइन जाती है, ये अर्थ को बिल्कुल बीच से काटती हुई लाइन है यहां से, क्लियर। और इस तरीके से जो लाइन इसको हॉरिजॉन्टली काटती है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इक्वेटर। इस तरीके से इक्वेटर ने इसको हॉरिजॉन्टली काट दिया और इस तरीके से प्राइम मेडिटेरेनियन ने इसको वर्टिकल काट दिया। तो ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया ईस्ट। यही रीजन है कि अब आप यहां पर देखो, ये ईस्ट वाला हिस्सा है ना, तो ईस्ट और नॉर्थ की तरफ ये वाला जो हिस्सा है, तो यहां पर आप देखोगे इतने एरिया में जितने भी कंट्रीज पड़ते हैं, इन कंट्रीज को क्या बोला जाता है? मिडिल ईस्ट बोला जाता है। ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता होता कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज बोलते क्यों हैं उन कंट्रीज को, ठीक है। जैसे कि यहां पर आपको ईरान मिल जाएगा, इराक मिल जाएगा, यूएई मिल जाएगा, ये सभी कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, ये सब आपके मिडिल ईस्ट का हिस्सा है। टर्की मिल जाएगा, ये सब मिडिल ईस्ट का हिस्सा है। अब मिडिल ईस्ट यहां पर समझना इंपॉर्टेंट क्यों है, समझो एक बात को। यहां पर जब आप मैप में देखोगे तो ऊपर ये वाला जो आपको ग्रीन वाला हिस्सा दिख रहा है, ये ग्रीन वाला हिस्सा यूरोप है। बात आ गई समझ? ये पूरा आपका हरा वाला यूरोप है, ये वाला आपका पीला वाला पूरा एशिया है और ये वाला आपका मिडिल ईस्ट है। लेकिन ये जो मिडिल ईस्ट है, ये आपका एशिया में ही कंसीडर किया जाता है। हाँ, वो एक अलग बात है कि इसको मिडिल ईस्ट भी बोला जाता है। अब मिडिल ईस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहां पर आप देखोगे कि आधे से ज्यादा तो मिडिल ईस्ट, मतलब यूरोप से जो एशिया की सीमा लग रही है, वो सीमा आधे से ज्यादा तो यहां पर मिडिल ईस्ट के कंट्रीज ने ही कवर कर रखी है। मतलब कहने का यह है कि यूरोप और एशिया का वो वाला हिस्सा जो कि मिडिल ईस्ट की तरफ से सीमा बनाता है, उसे क्या बोला जाता है? यूरोप और एशिया का डिवाइडेशन बोला जाता है। डिवाइडेशन का मतलब यहीं से दोनों की सीमाएं बनती है और यहीं पर आपको देखने को मिलेंगे कुछ ऐसे कंट्रीज जो कि यूरेशिया का हिस्सा है। तो चलिए बात करते हैं अब यूरेशिया की। देखो यहां पर जब अगर हम इसको जूम कर दें, इस पर्टिकुलर एरिया को अब हम जूम करने जा रहे हैं, तो आपको ये चीजें दिखेंगी। जब हम इसको जूम कर देते हैं तो देखिए कहां से यहां पर डिवाइडेशन हो जाता है यूरोप और एशिया के बीच में। यूरोप और एशिया का डिवाइडेशन देखिए यहां से हो रहा है, ये हो रहा है डिवाइडेशन। और यहां पे आपको कितने देश देखने को मिलेंगे, अभी इसकी भी बात करेंगे, बट पहले यहां पर समझिए ये एक तरीके की सीमा है। ये सीमा किससे बनती है? ऊपर की तरफ अगर बात करें तो ये यूराल माउंटेन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यूराल पर्वत कहलाता है। ये सीमा बनाता है एशिया और यूरोप के बीच में, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा आपका पूरा यूराल माउंटेन हो गया। अब इधर देखिए, जैसे ही आप नीचे आओगे तो ये आपको कैस्पियन सागर मिल जाएगा। कैस्पियन सागर यहां से सीमा बनाता है, उसके उधर पूरा एशिया, इधर यूरोप। नीचे आप दक्षिण की तरफ आओगे तो इसको बोलते हैं काकाकस माउंटेन। क्या बोलते हैं? काकाकस माउंटेन। और काकाकस माउंटेन के इधर आप आ जाओगे तो ये देखिए ये कहलाता है काला सागर। आपका क्या कहलाता है? काला सागर। अब यहां पर देखिए ये एक तरीके से ये आपका पूरा कर्व बन गया ना। ये कर्व क्या कर रहा है? उधर एशिया अब पूरा चला गया इस कर्व में और इधर की तरफ पूरा यूरोप आ गया। बात आ गई समझ? तो आपने देखा कि यहां पे यूराल माउंटेन, नीचे कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर के बराबर से और दक्षिण की तरफ आए तो इसको बोलते हैं काकाकस माउंटेन। और काकाकस माउंटेन के और भी इधर की तरफ आप अगर वेस्ट की तरफ आओगे तो यहां पर काला सागर बीच में पड़ जाता है। तो अब ये जो इधर वाला जितना भी हरा वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, ये पूरा आपका यूरोप है। बात आई समझ? अब देखो यूरोप की अगर बात करें यहां पर, वैसे तो पर्टिकुलर यूरोप की बात हम बाद में करेंगे, पहले यूरेशिया की बात यहां पर कर लेते हैं। यहां पर आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है जो चीज बाउंड्री बना रही है? पहली चीज तो यूराल माउंटेन आप यहां पर देख पा रहे हो, दूसरी चीज काकाकस माउंटेन भी आप यहां पर देख पा रहे हो, नीचे मिल जाएगा आपको। तीसरी चीज यहां पर काला सागर भी आपको दिख रहा है, ये देखिए। और यहां पर कैस्पियन सागर भी बाउंड्री बनाता है,
ये कैस्पियन सागर आपको कहां देखने को मिलेगा, ये वाला हिस्सा कैस्पियन सागर हो गया। एक हमारा पॉइंट यहां पर रह गया है, इसको बोलते हैं बॉस्फोरस स्ट्रेट। क्या बोलते हैं? बॉस्फोरस स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होता है? जल डमरू होता है, मतलब कहने का एक ऐसी सक्रिय वाटर बॉडी, मैंने कल की भी क्लास में बताया था, एक ऐसी सक्रिय वाटर बॉडी जो कि दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करने का काम करता है, उसको बोलते हैं स्ट्रेट या फिर जल डमरू बोलते हैं हिंदी में। अब ये बॉस्फोरस स्ट्रेट पड़ता कहां है ये समझो ध्यान से। बॉस्फोरस स्ट्रेट जो आपका पड़ेगा, इसको थोड़ा सा यहां पर देखिए, जो आपका एशिया वाला हिस्सा है, एशिया का जो ये वाला हिस्सा है, इसको मैं पहले क्लियर कर दूं तब आपको समझ आएगा। देखो ये आपका यहां पर काला सागर है, ठीक है। काला सागर के और भी आप जैसे ही नीचे आओगे तो ये पूरा नीचे आपका ये एशिया वाला हिस्सा है, ठीक है। ये ऊपर आपका ग्रीन वाला क्या है, ये आपका यूरोप वाला हिस्सा है। अब इनको कनेक्ट कहां से कर रहा है ये वाला हिस्सा देखो, ये जो आपका बिल्कुल गोला सा बन गया, इसी को जब हमने जूम कर दिया तो ये आपको जूम करके यहां पर दिख रहा है। बात आ रही है समझ? ये जो गोल वाला हिस्सा है बीच में, इसको जूम करके ले गए तो ये आपको दिखेगा। मतलब कहने का ये गोल वाला हिस्सा आपका कौन सा सागर है, ये कहलाता है सी ऑफ मरमरा। इसको मरमरा सागर के नाम से जाना जाता है। साथ में एक चीज और ध्यान रखना, नीचे एशिया वाले रीजन में आपको कौन सा देश देखने को मिलता है, टर्की देखने को मिलता है, तुर्क देखने को मिलता है। तो ये जो आपका पूरा रीजन है ये क्या हुआ, ये टर्की हुआ। तो कहने का मतलब एशिया के इस वाले हिस्से से जहां पर यूरोप से कनेक्टिविटी मिल रही है ये टर्की है। टर्की की बॉर्डर सीधे यूरोप से लगती है। अब यहां पर भी एक इंटरेस्टिंग बात है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि टर्की का एक शहर है जिसको बोलते हैं इस्तांबुल। अब इस्तांबुल को जब आप देखोगे मैप में तो यहां पर इस्तांबुल आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा कि इसका कुछ हिस्सा एशिया की तरफ है और कुछ हिस्सा उधर की तरफ है, मतलब यूरोप की तरफ है, और इसके बीच में एक सकरी सी वाटर बॉडी है, मतलब एक सकरा सा बिल्कुल रास्ता है जो कि पानी वाला हिस्सा है, उधर काला सागर और इधर मरमरा सागर को दोनों को मिलाने का काम करता है। और इसी सकरी बॉडी को क्या बोलते हैं, बॉस्फोरस स्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉस्फोरस स्ट्रेट। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर आपसे पूछता है बॉस्फोरस स्ट्रेट कौन से दो सागर को कनेक्ट करता है, तो ये काला सागर और नीचे मरमरा सागर दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है बॉस्फोरस स्ट्रेट। ये कौन से शहर पे पड़ता है, ये आपका इस्तांबुल में पड़ता है। इसके ऊपर की तरफ भी इस्तांबुल है, नीचे की तरफ भी इस्तांबुल है। बात आगे समझ? उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। और इसी को टर्किश स्ट्रेट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये तुर्क में पड़ रहा है, जाहिर सी बात है। अब आगे की तरफ यहां पर पढ़ते हैं, ये तो बात हो गई यूरेशिया की। अब यूरेशिया में सवाल यह है कि कितने देश पड़ते हैं यूरेशिया में, तो आपको सिंपली यहां पर देखना है यूरेशिया में कितने देश पड़ते हैं, ऐसे देश जो कि एशिया और यूरोप दोनों में है। मतलब बात आ रही है समझ? तो दुनिया में ऐसे कितने देश हैं जो कि एशिया में भी पड़ते हैं और यूरोप में भी पड़ते हैं? दुनिया में केवल 5 ऐसे देश हैं जो कि एशिया और यूरोप दोनों में पड़ते हैं। पहला आपका रशिया हो गया, दूसरा कजाकिस्तान, तीसरा अजरबैजान, चौथा जॉर्जिया और पांचवा टर्की। यहां पर आप सबको देख सकते हो। अब देखिए अगर रशिया की बात करें तो अभी मैंने बताया था ना कि यूराल माउंटेन, ये देखिए ये है यूराल पर्वत बीच में बने हुए हैं। यूराल पर्वत के उस तरफ एशिया हो गया और यूराल पर्वत के इस तरफ क्या हो गया, यूरोप हो गया। तो रशिया देखो इधर भी है और इधर भी है, यूराल के उधर भी इधर भी। तो रशिया हमारा पहला तो हो गया क्या, ये हो गया यूरेशिया का कंट्री। दूसरा कंट्री है कजाकिस्तान। तो ये देखो यूराल पर्वत इस तरीके से है, ये बैगरी वाले। तो यहां पर देखिए कजाकिस्तान ये एशिया वाले उधर रीजन में भी है और इसका कुछ हिस्सा इधर भी आ रहा है, ये देखिए। तो कजाकिस्तान भी आपका क्या हो गया, यूरेशिया का हिस्सा हो गया। तीसरा यहां पर आ जाता है आपका जॉर्जिया। अब समझिए जो जॉर्जिया है ये भी देखिए यहां पर, ये जो आपका हल्का ग्रीन वाला हिस्सा है ये नीचे वाले हिस्से में यहां पर आ जाता है, ठीक है। तो जॉर्जिया भी आपका इधर पड़ेगा और इधर पड़ता है बाकी हिस्सा यूरोप में। तो तीन हो गए आपके, जॉर्जिया भी हो गया। अब इसके बाद अजरबैजान देख लीजिए। अजरबैजान जो है आपका ये वाला हिस्सा है अजरबैजान का, और ऊपर वाला ये हिस्सा देखिए इधर कनेक्ट हो रहा है किससे, ये कनेक्ट हो रहा है यूरोप से, क्लियर। तो अजरबैजान भी यहां पर कवर हो गया। और टर्की तो आपको पता ही है, टर्की की अगर बात करें तो ये यहां पर देखिए टर्की का ये वाला हिस्सा जो कि इस्तांबुल वाला हिस्सा है, ये इधर भी रहता है और इधर भी रहता है। इस वजह से ये टोटल 5 ऐसे देश हैं जो कि एशिया और यूरोप दोनों में है और इनको यूरेशिया में कंसीडर करते हैं। अब यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कितने वर्ल्ड में ऐसे देश हैं जो कि यूरेशिया में है, ये लोगों को पता ही नहीं होता है जनरली। तो यूरेशिया आपके कहलाते हैं बस यही 5 देश, इन्हीं को यूरेशिया बोलते हैं। अब बात करते हैं एशिया की। देखो एशिया में सबसे पहली चीज तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछे कि पूरे वर्ल्ड में एशिया कितने परसेंट एरिया कवर करता है,
तो एशिया लगभग लगभग एक तिहाई एरिया पूरे वर्ल्ड का कवर करता है। लेकिन अगर परसेंटेज में बात करें तो 29.9% एरिया पूरे वर्ल्ड का कवर करता है लैंड वाले हिस्से में। मतलब कहने का पूरे वर्ल्ड में जितनी भी जमीन है उसमें 29.9% एरिया एशिया कवर करता है अकेला। फेमस अगर डेजर्ट की बात करें तो यहां पर मरुस्थल जो फेमस है, अरेबियन मरुस्थल है, थार भी यहां पर आपको मिलेगा, गोभी का भी डेजर्ट मिलेगा और भी कई सारे डेजर्ट मिलेंगे। यहां पर एक चीज और आपको बता देता हूं, अगर आपसे पूछता है एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है तो कंसीडर नहीं करेंगे रशिया को, एशिया के सबसे बड़े देश में चाइना को ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि रशिया को हम लोग सबसे बड़े देश के रूप में यूरोप में कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा देश यहां पर चाइना हो गया। अगर आपसे पूछेगा सबसे छोटा देश कौन सा है एशिया का, तो आपका आंसर हो जाएगा मालदीव्स। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है एशिया की, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यांगस्टे। इसको क्या बोलते हैं, यांगस्टे। ठीक है, यांगस्टे रिवर कहां पर है, यह आपकी चाइना में पड़ती है। अब आगे देखते हैं, संसार की छत कहा जाने वाला जो प्लेटू है, जो पामीर का पठार है, वो यहीं पर आपको देखने को मिलेगा एशिया में। जिन लोगों को पामीर के पठार की लोकेशन नहीं पता है वो लोग इधर देखें, ये है हमारा भारत, ये आपने देखा, ये है हमारा भारत। ठीक है, भारत के जस्ट ऊपर ये वाले हिस्से में ये आपका कहलाता है पामीर प्लेटू। क्या कहलाता है, पामीर प्लेटू। इसी को संसार की छत बोला जाता है, इसी को पामीर नॉट भी बोला जाता है, इसी को रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। ठीक है, अब पामीर प्लेटू जो है इससे इधर की तरफ भी पहाड़ियां निकलती हैं और इधर की तरफ भी पहाड़ियां निकलती हैं, मतलब ईस्ट की तरफ भी पहाड़ियां निकल रही हैं और वेस्ट की तरफ भी पहाड़ियां निकल रही हैं। जो ईस्ट की तरफ पहाड़ियां निकलती हैं इसको बोलते हैं क्युनलुन माउंटेन। क्या बोलते हैं, क्युनलुन माउंटेन, जो कि चाइना में चली जाती है। और जो आपकी इधर की तरफ पहाड़ियां निकलती हैं इनको बोलते हैं हिंदू कुश पर्वत। क्या बोलते हैं, हिंदू कुश माउंटेन रेंजेस। ओके, तो पामीर नॉट भी यहां पर आपको मिलेगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, पूरे वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक अगर वॉल्यूम वाइज पूछेगा, मतलब जल की मात्रा के हिसाब से, तो आपका आंसर क्या होगा, बैकाल लेक। बैकाल लेक आपकी कहां पड़ती है, ये रशिया के साइबेरिया में पड़ती है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूं, आप में से किसी को नहीं पता होगा आई एम श्योर, बैकाल लेक पता है, पूरी दुनिया में जितना भी फ्रेश वाटर है उसका 22 से 23% वाटर अकेला बैकाल लेक में है, इतना वॉल्यूम है इस झील में। मैंने क्या बोला, फिर से सुनो, पूरी दुनिया में जितना भी फ्रेश वाटर है उस फ्रेश वाटर का 22 से 23% अकेला फ्रेश वाटर कहां है, बैकाल लेक में, जो कि रशिया में है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी, मतलब लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक एरिया वाइज अगर पूछे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सुपीरियर लेक, जो कि कनाडा में है, मैंने आपको नॉर्थ अमेरिका वाले रीजन में बताया भी था। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर एशियन कंट्रीज दिए हुए हैं, यहां पर आपको देख लेना है, थोड़ा सा इसको रीड आउट करने की जरूरत है, जैसा कि मैं ऑलरेडी बोल रहा हूं, इसके लिए आपको कोई भी ट्रिक्स वगैरह नहीं देखने को मिलेगी, पढ़ने का तरीका यही है कॉन्टिनेंट वाइज। अगर आप देखोगे कि कंट्री और कैपिटल आप एक लाइन से पढ़ते चले जाओगे तो आपको कभी याद नहीं होने वाली। तो यहां पर देखिएगा, ये सारे मैंने लिस्ट कर दिए हैं यहां पर, जितने भी कंट्री कैपिटल करेंसीज हैं ये आपको सब देख लेना है, यहां पर कुछ भी बताने वाली बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूरोप की। देखिए, अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप में भी आपके वही क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन कि पूरी दुनिया में कितने प्रतिशत एरिया यूरोप कवर करता है, तो आपका आंसर क्या होगा, 6.7% एरिया यूरोप कवर करता है, लगभग 7% एरिया हो गया। अगर आपसे पूछता है यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, वो पूरी दुनिया की भी है, वैसे यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसको बोलते हैं माउंट एल्ब्रुस। क्या बोलते हैं, माउंट एल्ब्रुस। अगर आपसे पूछेगा यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा रिवर। कौन सी, वोल्गा नदी है। यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रशिया। जैसे एशिया का सबसे बड़ा देश चाइना, वैसे यूरोप का सबसे बड़ा देश रशिया। जैसे कि एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव, उसी तरीके से यूरोप का सबसे छोटा देश कौन सा है, यह है वेटिकन सिटी। यह पूरी दुनिया का भी सबसे छोटा देश है। अब यहां पर अगर एक चीज और बात करें तो ये जो यूरोप है, यूरोप आपका वाटर बॉडी तीन साइड से ढका हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज यहां पर एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, आर्कटिक सर्किल पता है किसको बोलते हैं, आर्कटिक सर्किल उसको बोलते हैं कि जो आपका आर्कटिक सर्किल कई बार आपसे पूछता है कि कितने देशों से घिरा हुआ है,
आर्कटिक सर्किल आपका घिरा हुआ है 8 देशों से। आर्कटिक रीजन आपको कहां देखने को मिलेगा, जब आप ग्लोब देखते हो, हमारी पृथ्वी देखते हो, तो वहां पर ये जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है ये आपका आर्कटिक रीजन कहलाता है, ठीक है, और ये जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है ये आपका अंटार्कटिका कहलाता है। तो यहां इस वाले हिस्से की बात हो रही है आर्कटिक रीजन की, यहां पर भी आपको बर्फ ही बर्फ देखने को मिलती है। तो आर्कटिक रीजन कितने कंट्रीज से घिरा हुआ है, मतलब कहने का कि ये है ग्लोब मान लो, ठीक है, इसका जो ये वाला हिस्सा ये है आर्कटिक, तो इसके चारों तरफ कितने देश हैं, तो इसके चारों तरफ आपको 8 देश देखने को मिलेंगे, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया, अमेरिका वाला, अलास्का वाला रीजन, कनाडा, डेनमार्क और आइसलैंड। इन 8 देशों को टच करता है आर्कटिक रीजन, या आपसे पूछता है आर्कटिक सर्किल, ये गोला हुआ ना, ये घुमा हुआ ना, इसी वजह से इसको आर्कटिक सर्किल बोला जाता है। दूसरी चीज ध्यान रखना है, यूरोप की अगर बात करें तो यहां की जो टाइमलाइन है वो ग्रीनविच मीन टाइम कहलाती है, इसी को जीएमटी के नाम से भी जाना जाता है। और इसको कहां से कंसीडर किया जाता है, इसको लंदन से कंसीडर किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे भारत का जो टाइम जोन है वो कंसीडर किया जाता है कहां से, कोलकाता से कंसीडर किया जाता है। उसी तरीके से एक चीज और ध्यान रखना है, यहां पे एक कंट्री है नॉर्वे, नॉर्वे को मिडनाइट सन के नाम से जाना जाता है, या फिर लैंड ऑफ मिडनाइट सन इसको बोला जाता है। और साथ में जापान जो है, जापान वैसे आपका यूरोप का हिस्सा नहीं है, बट यहां पर फाइनली मैंने लिख दिया है कि इसको लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जाना जाता है, उगते सूरज का देश इसको बोला जाता है। ओके, बाकी अगर यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो यूरोप में करीब करीब 46 देश हैं आपके, कितने देश हैं, 46 देश हैं, और सभी देश बिल्कुल छोटे छोटे यहां पर देखने को आपको मिलेंगे। तो इन कंट्रीज को भी देख लेना, इनकी कैपिटल और करेंसी जरूर देख लेना, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि यहां पर मैं आपको बता देता हूं। बेलारूस हो गया, मिन्स्क इसकी कैपिटल है, बेल्जियम इंपॉर्टेंट है, और आपका बुल्गारिया इंपॉर्टेंट है, डेनमार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोशिया इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद एस्टोनिया भी इंपॉर्टेंट है, इसकी कैपिटल तल्लिन है, ये सारे आपको करंट अफेयर में देखने को मिलते रहते हैं। इसके बाद जो यहां पर इंपॉर्टेंट है, फिनलैंड इंपॉर्टेंट है, जर्मनी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रांस इंपॉर्टेंट है, और यहां पर अगर बात करी जाए तो आपका आयरलैंड इंपॉर्टेंट है, आइसलैंड इंपॉर्टेंट है, हंगरी कैपिटल बुडापेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे और बढ़ते हैं तो यहां पर अगर बात करें, लक्जमबर्ग आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद मैसिडोनिया इंपॉर्टेंट है, माल्टा, यहां पर मोनाको इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आ जाइए नॉर्वे मोस्ट इंपॉर्टेंट, पोलैंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, और पुर्तगाल इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जो कि आपको देखने ही देखने हैं। इसके बाद और आ जाइए नीचे, मैंने आपको बोला ना ऑलमोस्ट 46 कंट्रीज हैं, लेकिन सारे छोटे छोटे देश हैं यहां पर। इसके बाद नीचे आएंगे तो स्लोवाकिया इंपॉर्टेंट है, कई बार करंट अफेयर में देखने को मिल जाता है, स्पेन भी इंपॉर्टेंट है, स्वीडन इंपॉर्टेंट है, स्विट्जरलैंड इंपॉर्टेंट है, यूक्रेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा, और आज से मैं इस टॉपिक को विराम दे रहा हूं, कल से हो सकता है मैं 10 क्वेश्चन लेकर आऊं फिर से उसी तरीके से। ये जो सीरीज है मैं आज आपको समझा देता हूं, या तो 10-10 क्वेश्चन के फॉर्मेट में चलेगी, या फिर अगर मुझे बीच में कभी लगा कि कोई टॉपिक पढ़ा देना है तो मैं इसी तरीके से टॉपिक को डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा करके आपको एक बड़ा टॉपिक पढ़ा दिया करूंगा, ठीक है। तो आज के बाद यहीं तक रखता हूं, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, पढ़ाई करते रहिए, और हां ख्याल रखिए, और आज के बाद यहीं तक, आपका दिन मंगलमय हो।